एक किधर रॉन्ग साइड से आ रहा है। ओके सो कैसे आप सभी लोग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे इज मंडे इवनिंग नाउ, अभी 5 बजे है। घर से जब भी निकला था तब 5 बजे थे। और कल एक्चुअली मेरा कैसा रहता है कि मैं ज़्यादा करके संडे के वीडियो बनाता हूँ, संडे राइड्स के। और कल संडे था और तो किधर मतलब संडे का बना नहीं था मेरा, तो कल सोचा था शाम को ऐसे वीडियो बनाऊंगा एक सनसेट व्यू पे जाके, सनसेट व्यू पॉइंट पे। लेकिन शाम को बारिश होने लगी और अभी देखा तो पूरा आसमान क्लियर था, अच्छे से सनसेट देखने को मिलेगा ऐसा सोच के आया हूँ, बाहर पड़ा हूँ मैं घर से। देखते हैं अभी, लेट्स सी देखने को मिलता है अच्छा सा सनसेट या नहीं। पहले पेट्रोल भरा लेते हैं क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है। क्या हुआ, पेट्रोल नहीं है शायद, क्लोज हो रहा है। ओ भाई, पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल पंप ही बंद है, पता नहीं उनका शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है। सोच रहा हूँ ऐसे ही आगे चला जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा भी कम नहीं है। और शायद से बारिश आएगी ऐसा मेरे को फील हो रहा है क्योंकि बादलों ने पूरा घेर के रखा है मेरे को। परसों गणेश चतुर्थी है तो बाज़ार में ना इतनी भीड़ थी, और ये लोग देखो कुछ कुछ सामान जो माटी बांधते हैं ना उसका सामान भी लेके जा रहे हैं लोग। ये देखो लोग हरान लेके जा रहे हैं। कल संडे राइड का क्या सीन हुआ है पता है, मतलब प्लान बनते बनते रह गया क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि जाऊंगा संडे को किधर, तो क्योंकि बहुत दिन हुए हैं, 15 अगस्त के बाद व्लॉग नहीं डाला था मैं। और लेकिन घर पे बोलने लगे गणेश चतुर्थी है, एक दो दिन में कहीं बाहर मत जा करके, तो इसलिए नहीं जा पाया। अभी 5 दिन तो कुछ नहीं है, गणेश रहेगा ना, गणेश चतुर्थी। तो सोचा कि आज एक व्लॉग करते हैं और गणेश चतुर्थी का एक व्लॉग बनाते हैं। इधर से लेफ्ट लेंगे और ये हम पहुंच गए आगरवाड़े, आगरवाड़ो बोलते हैं इधर। ये एक प्लेस बहुत ही बढ़िया है, मतलब जब भी दिमाग बोर होता है ना तब ये जगह पे आना चाहिए। क्या मस्त प्लेस है, आराम से आके बैठो एक आधे घंटे तक, सनसेट देखो। अभी तो सनसेट नहीं दिखेगा क्योंकि बोला था मैं बादल चारों साइड आ गए थे, लेकिन इधर का अभी तो पेंट गया है पूरा, पहले एकदम चमक रहा था पेंट, अभी तो कुछ नहीं बचा इधर। सोच रहा हूँ इधर रुक जाओ कि आगे चला जाओ। से कुछ दिखेगा भी नहीं तो वो वाले प्लेस पे चलते हैं, शिवलिंग चलते हैं। जाने दे मेरे को, रुक, क्या कर रहा है ये।
तो जब भी मेरे को मेरा माइंड मतलब फ्री करना रहता है और जब भी सुकून चाहिए रहता है तब मैं ऐसे जगहों पे आया करता हूँ। एंड आई गेस आप लोगों की इधर भी ऐसी कुछ जगह रहेगी जिधर आप लोग माइंड फ्रेश करने जाते हो। मेरे लिए तो इधर जगह तो बहुत है क्योंकि लाइक आई सेड आई लिव इन गोवा सो देर इज लॉट्स ऑफ प्लेसेस हियर टू फ्रेश योर माइंड। तो यहाँ से अभी लेना है लेफ्ट शिवलिंग की साइड। इधर राइट से जाओगे तो मुझे तो मुरजिम बीच है। ये सोच के निकला था बाहर की हिल टॉप जाऊंगा लेकिन अभी वेदर की वजह से शायद बारिश आएगी तो उधर जाने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। आसमान तो पूरा बादलों से भरा रहेगा और सनसेट भी नहीं दिखेगा अच्छे से। सो इधर ही रुकूंगा ये शिवलिंग ब्रिज के नीचे। ये शिवलिंग ब्रिज और यहाँ पर अगर आपको पता नहीं इधर सिंघम टू की शूटिंग हुई थी ये वाले ब्रिज पे। अभी और भी कोई मूवीज़ की शूटिंग हुई तो पता नहीं मेरे को, वो एक पर्टिकुलर मूवी का पता है मेरे को। और इधर आगे आरटीओ रहते हैं हमेशा इसलिए धीरे जाना पड़ता है। ये लोग तो बैठे हैं, कोई बकरा मिला नहीं शायद इनको। अभी तो इधर कोई नहीं है क्योंकि आज मंडे है। अगर कल आ रहे थे तो बहुत भीड़ रही थी इधर कि बहुत सारे लोग आते हैं इधर चिल करने के लिए। बहुत मस्त प्लेस है। अभी रुकूंगा थोड़ी देर में क्योंकि हवा बहुत चल रही है, पता नहीं वो ऐसा आ भी रहा है कि नहीं, और बाद में निकल जाऊंगा। बारिश आने वाली है। वो साइड मुरजी बीच है, ये साइड उधर से रास्ता है आगे तक। आगे मतलब यहाँ से नहीं दिखेगा एग्जैक्ट। तो अभी चलते हैं। बैटरी भी GoPro की कम हो गई है, मेरे चार्जिंग के लिए पावर बैंक भी नहीं है, 20% ही है। और अभी 6:30 बज गए हैं। सो लेट्स गो। और बारिश भी चालू हो गई, छोटी छोटी बारिश बूंदे गिर रही है। तो इसके बाद गाइस रिकॉर्ड तो किया था लेकिन GoPro में साउंड ही नहीं आया था, उसका साउंड का कुछ तो इश्यू हो गया। वीडियो तो है लेकिन उसमें साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो इफ़ यू लाइक दिस शॉर्ट व्लॉग प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय।